नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में आप सभी से बात करने वाले हैं, उस स्टॉक का नाम है स्पाइस जेट लिमिटेड। स्पाइस जेट के बारे में आप तो जानते होंगे कि फ़्लाइट्स वगैरह जो होती हैं स्पाइस जेट की, काफ़ी बिजनेस क्लास और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का काम करती हैं। तो बात करूँ इस कंपनी की, तो कंपनी में जो इसकी मार्केट कैप है वो लगभग 3760 करोड़ की जो मार्केट कैप है इस कंपनी की। तो वहीं बात करूँ कंपनी की बुक वैल्यू, जो कंपनी के बुक वैल्यू है वो लगभग नेगेटिव में है 38 रुपीज़। और बात करें कंपनी की डिविडेंड की, तो कंपनी आपको बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देती है, 0.00% तक का डिविडेंड है इसमें। बात करूँ फेस वैल्यू की, तो कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो लगभग 10 रुपीज़ है। तो वहीं इसके ग्राफ की बात करूँ तो इसके ग्राफ में भी काफ़ी खासी गिरावट जो है देखने को मिली है, काफ़ी खासी गिरावट देखने को मिली। बात करें इस कंपनी के प्रोज और कॉन्स की, तो इसमें जो प्रोज है उसमें लगभग कंपनी की जो मेडेन सेल ग्रोथ है वो 10 साल में केवल 21% तक बढ़ी है। तो वहीं बात करें कंपनी के कॉन्स की, तो कंपनी की जो प्लेज होल्डिंग है वो लगभग 43.92% जो स्टॉक्स हैं वो गिर भी है इस कंपनी के। तो वहीं बात करें इस कंपनी के जो इसकी जो कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी काफ़ी कम हुई है। वहीं बात करें अर्निंग की, तो इनकी जो अर्निंग इंक्लूडिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 863 करोड़ से ज़्यादा की इनकम जो है अर्निंग के अलावा इनकी जो खर्च हो चुकी है। वहीं बात करें कंपनी के बारे में, जानते हैं हम इस कंपनी के अभी शेयर मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, उसकी बैलेंस शीट के बारे में, और आपको बताएंगे कि आपको इसमें सेल करना चाहिए या इसको होल्ड करके रखना चाहिए। तो वहीं बात करूँ मैं इस कंपनी की, तो पिछले जब मार्केट फ्राइडे को खुली तो कंपनी में लगभग 0.16% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो 5 दिन की बात करूँ तो 5 दिन में तो कंपनी ने हमें 2% के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन वहीं एक मंथ की बात करूँ तो लगभग कंपनी ने हमें 12% तक के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, और 6 मंथ में 25% तक के रिटर्न्स, और 1 साल में 53% तक के रिटर्न्स। वहीं अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के 5 साल की, तो 5 साल में कंपनी ने हमें काफ़ी निराश किया है। इसमें अगर मैक्स चार्ट की बात करूँ तो कंपनी का जो मैक्स चार्ट है वो भी नेगेटिव में है, कंपनी लगभग में 52% तक के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। और एक खास बात जो आपको बताने वाला हूँ वो है कि कोई सी भी स्टॉक में अगर हम खरीदते हैं तो हमें उस कंपनी का जो मैक्स चार्ट जरूर चेक करना चाहिए कि कंपनी जो मैक्स में है, जो प्रॉफिट में जा रही है या नेगेटिव में जा रही है, लॉस में जा रही है। तो इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी लगभग काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रही है। इसका सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट कारण है कोविड, क्योंकि कोविड के कारण सभी फ़्लाइट्स वगैरह रद्द हो चुकी हैं, और ना ही कोई मेरे हिसाब से इस समय में कोई भी जो है ट्रैवलिंग के लिए कोई भी प्रेफर नहीं करता, कोई भी ट्रैवलिंग करने का रिस्क इस समय नहीं लेगा। तो कोविड के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है कंपनी में बहुत देखने को मिली है। तो आने वाले टाइम में पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते कि कब तक जो कोविड काल चलेगा और कब तक जो फ़्लाइट्स वगैरह रद्द रहेंगी, क्योंकि जब तक फ़्लाइट्स वगैरह नहीं चलेंगे इसमें गिरावट देखने को ही मिलेगी। तो भैया अगर मैं बात करूँ कंपनी की बैलेंस शीट की, तो कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव में नजर आ रही है। वहीं बात करें इसके रिजर्व की, तो कंपनी के पास एक भी रिजर्व में अमाउंट नहीं है, बल्कि नेगेटिव में 2179 करोड़। कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबी हुई है। वहीं बात करें कंपनी की लॉन्ग टर्म की, तो कंपनी में लॉन्ग टर्म के पास है 459 करोड़ का कर्जा है, और वहीं बात करें शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में कंपनी के ऊपर 414 करोड़ का कर्जा है। तो बहुत बात करूँ मैं कंपनी के एसेट्स की, तो कंपनी के एसेट्स जो है वो है 12,966, जो कि एक पॉजिटिव साइन इसमें नज़र हमें आया है। तो कंपनी के जो एसेट्स है उसमें जरूर आपको जहाँ पे जो है ग्रोथ देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में, कंपनी के एसेट्स में ग्रोथ देखने को मिली है, जो एक पॉजिटिव साइन जो है हम इसमें कह सकते हैं कि कंपनी जो है अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। लेकिन भाई मैं बात करूँ कंपनी के रिजर्व की, तो कंपनी के पास एक भी अमाउंट, बिल्कुल भी अमाउंट रिजर्व में नहीं है। कंपनी के जो रिजर्व हैं वो बिल्कुल नेगेटिव में है। तो आप इसमें बारे में सोचिए, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो आपको और भी ज़्यादा इसमें नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोविड के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। तो वहीं अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की पिछले 52 वीक्स की, तो कंपनी का जो लो है वो 38 है। तो वहीं बात करें हाई की, तो हाई जो कंपनी का 52 वीक्स का वो है 108। तो अगर वहीं मैं बात करूँ अब इस कंपनी के रिटर्न्स के बारे में, तो इस कंपनी के रिटर्न्स है वो भी नेगेटिव में ही है, केवल एक साल में जो आपको 56% तक रिटर्न्स देती है, वो भी पिछले साल जो इसने पिछले कुछ सालों में दिए हैं आपको। लेकिन आने वाले टाइम में इसमें जो है इसका फ्यूचर जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केसेस जो है इंडिया में फैल चुके हैं, और इन केसेस में कोई भी रिस्क नहीं लेगा ट्रैवलिंग करने का। वहीं बात करें और कंट्रीज़ की, तो वहाँ से भी इंडिया के लिए और इंडिया से वहाँ के लिए सभी फ़्लाइटें जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं। तो इस समय इस कंपनी का कोई फ्यूचर जो है आगे के लिए नज़र नहीं आ रहा है। तो वहीं बात करूँ मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें आप देख पाए कि 59% तक के जो स्टॉक्स हैं वो प्रमोटर्स के हैं। वहीं बात करें FII की, तो FII ने काफ़ी कम अमाउंट इसमें लगाया, केवल 2%, वहीं पब्लिक ने इसमें 34% तक अमाउंट लगाया। तो वहीं एक और बात करूँ तो कंपनी के लगभग 43.92% जो स्टॉक्स हैं वो गिर भी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन जो निकल के आ रहा है कि कंपनी के जो आधे से ज़्यादा जो स्टॉक्स हैं वो गिर भी हैं। तो वहीं बात करें FII की, तो FII में आप देख पा रहे कंपनी ने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक से कम की है, 2.31 से कम करके कंपनी ने 2.12% की है FII ने जो है इसमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट कम की। वहीं बात करें DII की, तो DII ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें लगातार जो है कम की है, जो आपको देखने को मिल रहा है। इसका चार्ट जो है वो डाउन
की तरफ देखने को आपको मिल रहा है। वहीं बात करें इसकी रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी आप देख पा रहे हैं कि कंपनी कितने ज़्यादा घाटे में जा नज़र आ रही है। तो अगर आपने भी इसके स्टॉक्स लेकर रखे हैं, तो अगर आप इसको होल्ड करके रखें तो शायद आने वाले टाइम में आपको इससे भी ज़्यादा नुकसान हो जाए। लेकिन क्या पता अगर कोविड का काल जल्दी ख़त्म हो जाता है उसके बाद इसमें आपको थोड़ी सी तेज़ी देखने को जरूर मिल पाएगी। लेकिन जब तक कोविड चल रहा है तब तक इस कंपनी में, स्पाइस जेट में कोई फ्यूचर इसका नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर आपने शेयर इसमें इन्वेस्टमेंट की है तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। देखिए हम आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, तो अगर आपको इसमें लगता है कि आपको इसमें बाय करना चाहिए या इसमें सेल करना चाहिए, तो आप सबसे पहले जो है खुद एनालाइज़ कीजिए इस स्टॉक के बारे में, फिर उसके बाद ही आप इसमें कुछ भी करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।